सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना से सारा देश जो है परेशान हो चुका है, एंड ये जो डेडली वायरस है ये पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। एंड इससे बचने के लिए जो उपाय लोगों ने दिए हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो सब यही सलाह दे रहे हैं कि आप सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आप अपने घर में ही रहें, ओके। एंड अगर आपको बाहर जाना है किसी कारणवश, तो केवल तभी जाएं जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे आपको घर के लिए ग्रोसरीज या खाने पीने का सामान आदि अगर ख़रीदना है तो तभी आप घर से बाहर निकले, अथवा आप घर से बाहर ना निकले। सो ये तो इसका एक पहलू है। एंड दूसरा पहलू ये है कि आपको जैसे कि पता है, दुनिया भर के डॉक्टर, पुलिसकर्मी एंड मीडिया एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड टू सेव पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद कोरोना, ओके। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, मीडिया, पुलिसकर्मी, ये रात भर हमारे कंट्रीज़ में लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए एंड लोगों का इलाज करने के लिए, ओके। सो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी मोदी जी ने जो पहले दिन बोला था कि एक दिन का कर्फ्यू लागू होगा पूरे देश में, एंड उस दिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एंड उसके बाद अभी 5 तारीख को मोदी जी ने जो दीवा लाइटनिंग इवेंट रखा था रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इंडिया में। एंड आई बिलीव बाकी कंट्रीज़ भी उसे फॉलो करेंगी, एंड दैट विल कन्वे अ मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड दैट वी आर टुगेदर, वी आर यूनाइटेड टू सेव द ह्यूमैनिटी, एंड वी आर विद ऑल द पीपल हु आर रिस्किंग देयर लाइव्स फॉर अदर्स। सो फ्रेंड्स, इंडिया की तरह कैनेडा में भी जो एक ट्रेंड चला है इवनिंग में 7 PM क्लैपिंग का, एंड ड्रम्स एंड जो भी हाथ में आता है लाइक बर्तन, तो ड्रम्स एटसेट्रा, सो पीपल अपनी बालकनी में या घर के बाहर डोर्स में आकर उसे बजाते हैं एंड चीयर्स करते हैं टू द पीपल हु आर रिस्किंग देयर लाइव्स, लाइक डॉक्टर, पुलिस, मीडिया एंड अदर डिपार्टमेंट्स। सो to support all of them I'll show you how the celebration is going on in my neighborhood, and kyunki abhi 7 bajne wale hain and 1 se 2 minute hi bache hain, to jaise hi clapping shuru hoti hai I'll show you ki Canada mein isko kaise celebrate kiya ja raha hai। सो फ्रेंड्स, 7 बज चुके हैं कनाडा में एंड लोग अपनी बालकनी के बाहर आ चुके हैं, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं सब ने आके ताली बजाना, बर्तन खटकाना शुरू कर दिया है। सो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं बालकनी में लोग अपने आ गए हैं। तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ पूरे वर्ल्ड को एंड पूरे वर्ल्ड की उस टीम को जो कोरोना के इस डेडली मोमेंट में दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं एंड मदद कर रहे हैं फॉर देयर हेल्दी लाइव्स, फॉर देयर हेल्दी फ्यूचर।
सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं, जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर बाहर से इमिग्रेंट्स और टेम्प्ररी स्टे जिन्होंने किया है इंडिया में, सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसा गवर्नमेंट मैसेज कन्वे करती है तो प्लीज़ फॉलो दैट, बिकॉज दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर योर पीपल सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ योर क्लोजेस्ट वंस. ओके, सो प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंस. सो आपसी दूरी काफ़ी ज़रूरी है ऐसे मौके पर, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलता है अगर वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आती हैं, एंड इसको अगर आपको रोकना है फैलने से तो आपको लोगों से दूर रहना पड़ेगा. आप घर से बाहर मत निकलें, जस्ट बी एट होम, वॉच टेलीविजन और वॉच एनी वीडियोज और वट एवर यू कैन डू एट होम, जस्ट स्टे होम. ओके, एंड कीप योर सेल्फ सैनिटाइज, कीप योर सेल्फ क्लीन इनफ, सो दैट अगर आप बाहर से आते हैं या फिर आप कोई ऐसा आइटम टच करते हैं जो कि बाहर से आ रहा है आपके घर पे, सो आप उस आइटम को खोलने के बाद अपने हाथ तुरंत धोएं या सैनिटाइज करें. सो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स निकाले हैं जिससे कुछ तबके को दिक्कत हो रही है इंडिया में. ओके, बट तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स एंड मीडिया पीपल एंड क्लीनिंग स्टाफ जो हमारे देश में हैं, वो अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के आपको सारा ज़रूरत का सामान एंड ज़रूरत की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. ओके, एंड आप उन लोगों को मोटिवेट करें एंड उनकी सुरक्षा के लिए भी आपका घर से ना निकलना काफ़ी ज़रूरी है. एंड अगर आप घर से नहीं निकलते हैं, ये पूरे देश के लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहेगा. एंड फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक काफ़ी अच्छे से कोरोना वायरस को हैंडल किया है. ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि वो इसी तरह कंट्रोल में रहे एंड धीरे धीरे कोरोना वायरस का असर अब हमारे देश से पूरी तरह हट जाए, तो आप जैसा सरकार बोलती है आप वैसा ही करें. ओके, एंड जितना बोलती हैं उतना ही करें, कि जैसा कि पिछली बार मोदी जी ने बोला था कि आप बर्तन खटकाएं जो एंड तालियां बजाएं, लेकिन आप अपने घर के दायरे में रहकर ही बजाएं. लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत ले लिया एंड वो अपने घर से बाहर निकल गए एक झुंड के झुंड में, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक अ फेस्टिवल, विच इज़ रॉन्ग, राइट? क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंस मैनेज करना है, सो डोंट डू दैट. एंड सो क्योंकि ये देश आपका भी है, हमारा भी है, आप अगर आपको कोरोना वायरस से कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी खतरा है एंड आपके देश के लोगों के लिए भी खतरा है. तो कोरोना वायरस की इस चेन को रोको. ओके, घर से मत निकलो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड शेयर दिस वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सेव इंडिया, स्टे एट होम, बी सैनिटाइज्ड. ओके, एंड जय हिंद.